वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ, वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते हो मानते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे नहीं समझे। मगर एड्स और कैंसर के लिए किसी के पास मत जाओ। मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहां आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझमें। अभी आपने देखा चंद्रमा पे एक रॉकेट गया, तो अब कुंडलिनी तो रीढ़ के डी के आखिर हिस्से में बेसमेंट में सेक्रम में 3.5 घंटे लगा कर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। हार्ट योग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं करना जाना, कुंडलिनी जागृत हो नहीं आप मैं बताओ नाम जप करने लगा, जो ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या करवाता है, अपार वायु नाभि से नीचे 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 के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। अब वो ऊपर कैसे उठे, पीछे से पुश खोले ना, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी का पुश लगता है, इसमें 3 तरह के बंद लगते हैं, अपने आप लगेंगे। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडल नहीं उठी कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ना भी आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी चाहे आप कितने मोटे हो। जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ के हड्डी का, उसमें हर तरह के एक्सरसाइज संभव नहीं तो प्राणायाम होता है, वो भी अपना आप होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपोगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरन उत्तर पार, समझे ना। तो जो ही आज्ञा चक्र से ऊपर निकले कुंडलनी तो समाधि लग जाएगी। समाधि के 3 रूप है, पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कह देंगे समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था यहां भी मैं हूं। जब तक यहां नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। तो एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, परंतु पहले कहते परंतु प्रारंभ कर्मवश करता बढ़ता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, अंत में क्या सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया, वहां के लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। गुजरात के कम से कम 50-60 पटेल वहां हैं अमेरिका में,
तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूँ, समझे, पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूँ। और खाली जेब गया, खाली आ गया तीन दफे में, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, जब व्याख्या की तो कहने लगा सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राणदान। तो मेरे को तो गुरुओं की कमाई है, मैं तो लुटाने निकला हूँ भैया, ये दान करने गया था अमेरिका। अब उनको वहाँ उन्होंने कहा जी कितने लोग अमेरिका से इंडिया आएंगे, लिख के दाया वहाँ के राष्ट्रपति को कि अगर तुमको कैंसर से मुक्ति बने, 70% अमेरिकन को कैंसर, मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करना तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम इंडिया आओ, समझा। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझा। पास तो बीत गया, उसको देखना क्या है, फ्यूचर को देख सुन सकते हैं। आंख बंद करके यहां ध्यान करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, ये अंदर खुलती है, बाकी नौ द्वार बाहर खुलते हैं, समझा। हमारे योगियों ने उसको दो बाकटों में बांटा, नौ द्वार जो है माया के,